नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफी मिला जुला रहा पूरे एग्री पैक के लिए, जहां हमने सोयाबीन में 2% की तेजी देखी, कैस्टर फ्लैटिश नोट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, सीपीओ में 0.5% की गिरावट, बट रिफाइन सोया में 3% की गिरावट बनते हुए देखी। मसालों में हमने देखा कि बड़ी तेजी के बाद कहीं ना कहीं हल्दी के अंदर हमने 2.5% की गिरावट आते हुए देखी, बट जीरा और धनिया फिर से तेजी के रूप में आते हुए दिखाई दिए, जहां पे 4.25% से ज्यादा की तेजी जीरे में और धनिया 8,000 के ऊपर निकलने पे हमने करीबन 5.5% की तेजी बनते हुए देखी। बट गवार कॉम्प्लेक्स में हाई लेवल पे कंटिन्यू दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गवार सेट के अंदर पूरे हफ्ते में 2.5% की गिरावट और गवार गम स्टेबल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंथा रेंज बाउंड है, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी हायर लेवल पे हमने दबाव बनते हुए देखा। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्री मार्केट के लिए, जिस ढंग से हमने स्विंग के आंकड़े आना चालू हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं नई स्विंग के लिए अपडेट मिलेगी। तो सबसे पहले अगर सोयाबीन की बात करें तो 2% की तेजी सोयाबीन में आते हुए देखी, ओपन इंटरेस्ट में 35% की तेजी, जो कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग दिखा रहा है। डिस्पाइट के अराइवल सीजन है सामने, लेकिन सीजनलिटी भी बताती है कि नवंबर दिसंबर हमेशा तेजी भरा रहता है। पॉलिट्री इंडस्ट्री की भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल मार्केट में भी टाइटनेस होने की वजह से सोयाबीन में हमें लगता है कि तेजी का रुख कायम रहेगा। बट जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया भी था कि 5650 का इमीडिएट टारगेट है वो अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट, हमें लगता है थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए 5750 से 5800 तक का लेवल हम सोयाबीन दिसंबर वायदे में देख पाएंगे। वहीं कैस्टर की अगर बात करें, कैस्टर में अगला 1.5 महीना खाली पॉजिटिव का रहेगा, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स हम देखेंगे अराइवल प्रेशर धीरे धीरे बिल्टअप होना चालू हो जाएगा। 6400 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 6650 का हम टारगेट देख रहे थे 6650 अचीव हो चुका है। कहीं ना कहीं 6850 का लेवल भी दिखा दे, बट धीरे धीरे वॉल्यूम थोड़ा पार्टिसिपेशन कम होना चालू हो जाएगा। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सीपीओ के अंदर हमने फ्लैटी स्टोन के साथ 0.5% की गिरावट देखी है, वहीं रिफाइंड सोया में 3% की गिरावट देखी। बट डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहा है, बट सप्लाई काफी बढ़ने की वजह से प्राइसेस में दबाव है। टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉन्ग लिक्विडेशन रिफाइंड सोया ऑयल में और फ्रेश सेलिंग हमने सीपीयू में आते हुए देखा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस में दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, जो 1180 तक का लेवल रिफाइंड सोया में और 1085 का लेवल सीपीयू में देखने मिल जाए, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। वहीं मसालों की अगर बात करें तो हल्दी में गिरावट के बाद कहीं ना कहीं प्राइसेस 7050 के सपोर्ट से उठना चालू कर रहा है। ओवरऑल ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 7100 से लेकर 7650 का दायरा है, इसी दायरे में हल्दी ट्रेड करेगी। वहीं जीरा और धनिया की बात करें तो यहाँ पे काउंटर में अभी भी तेजी बाकी है। लॉन्ग टर्म हम समझते हैं कि जीरे के अंदर 22,000 तक का भी लेवल दिखा दे, जबकि धनिया आपको 12,000 तक का लेवल दिखा दे, बट अभी जो शॉर्ट टर्म में तेजी आई है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। 16,300-16,400 का लेवल दिखाने के बाद एक पुलबैक 1,500 तक का लेवल जीरे में। और वहीं धनिया की बात करें, जब तक 8,600 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 8,100 से 8,000 का लेवल फिर से दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेडर्स लेना चाहते हैं फरवरी अंत तक के लिए, ये अपनी पोजिशन अभी भी बनाकर चल सकते हैं। प्राइजेस में लॉन्ग टर्म तेजी रहेगी, शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चलते हुए दिखाई देगी अगले 15 दिन में। गवार सीड गवार गम की बात करें तो हमने हमारा व्यू स्टैंड न्यूट्रली रखा है, बिकॉज प्राइजेस में काफी बड़ी रैली हमने पिछले 3 महीने में बनते हुए देखी है। करंटली हमें लगता है प्राइजेस फेयर प्राइस नहीं है, ये हफ्ते में फ्रेश सेलिंग बनते हुए देखी है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में दबाव बन सकता है गवार सीड में, जो 6,000 से लेके 5,800 तक का भी लेवल दिखा दे। वहीं गवार गम की अगर बात करें तो गवार गम में हमने थोड़ी फ्रेश बाइंग लौटते हुए देखी, क्योंकि टेक्निकली अगर देखें तो प्राइजेस 12,000 का लेवल काफी अच्छे से होल्ड कर रखा है। अगर प्राइजेस 12 का आंकड़ा तोड़ता है तो हम एक गिरावट का माहौल वापस बनते हुए देखेंगे, जो 11,300 तक का भी लेवल गवार गम में दिखा दे। ओवरऑल गवार से स्टे अवे रहिए, न्यूट्रल व्यू के साथ स्टैंड रहिए, ना बेचना है ना लेना है, वेट करना है। मेहता ऑयल 920 से 970 के दायरे में ही रहेगा, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि विंटर ऑनसेट की वजह से धीरे धीरे डिमांड में इंप्रूवमेंट होगी, जो 970 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी करेगी, नहीं तो ये हफ्ते में लेके चलिए 956 के टारगेट के लिए। कॉटन में एक पुलबैक दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, 31,000 के करीब मिलने पे हम लेके चलेंगे, ओवरऑल 33,000 का नया लेवल तोड़ने पे ही हम 34,500 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म 4,000 का टारगेट पकड़ा है फरवरी तक का, एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 2400-2450 का स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे हमें बाइंग करके चलिए। अगला हफ्ता तेजी का रहेगा, जो 2640-50 तक का लेवल दिखा देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।